चुनावों की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसमें वाद विवाद लगातार देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित करती रही है, उसको लेकर के जो गुजरात कांग्रेस है उसने गुजरात चुनाव आयोग को आपत्ति जाहिर की थी, और अब चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया कैंपेनिंग में और अन्य जगह पर पप्पू ना कहा जाए। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी हैं। सर, अब आप लोग पप्पू नहीं कह पाएंगे राहुल गांधी को? नहीं, देखिए, शुक्र है कि कांग्रेस ने कम से कम उनको पप्पू स्वीकार तो किया। अब वो जब जहाँ तक चुनाव आयोग का अगर यह निर्णय है और यह सुझाव है कि उनको पप्पू न कहा जाए, तो कोई नहीं पप्पू कहेगा। आपको क्या लगता है इस परिवर्तन की वजह क्या है कि मंदिर जाने वाले अब मस्जिद जाने वाले अब मंदिर जा रहे हैं बार बार? नहीं, देखिए, मैंने बताया कि वो घबराहट है, निराशा है, और डूबते को तिनके का सहारा, ऐसी कहावतें हैं। तो इन इन मानसिक स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है। हकीकत तो यह है कि देश की जनता ने जाति पाति पंथ संप्रदाय और बांट करके राजनीति करने वाले लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया, हाशिए पर डाल दिया है। अब तो देश में कुछ चलेगा तो केवल और केवल विकास सर, चलेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आप भले कह रहे हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है, लेकिन इस बार जो खेमेबंदी कर रही है कांग्रेस, वहां पर राहुल गांधी एग्रेसिव हैं, कुछ जो वहां के ऐसे लीडर्स हैं, कुछ यूथ हैं जो किसी संप्रदाय विशेष से आते हैं, वो एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं क्या बीजेपी के लिए? ना ना, कुछ नहीं। देखिए, हमने बताया ना कि जाति पाति संप्रदाय की राजनीति अब कांग्रेस पार्टी या अन्य लोगों द्वारा चलाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मंदिर और ये सब सारी चीजें आ रही हैं। इसीलिए जो जाति पाति के लीडर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे वो किया जा रहा है। आप धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो विजय सोनकर शास्त्री जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस निराशा के दौर से गुजर रही है और वहां पर गुजरात में अब जाति पाति की राजनीति नहीं होगी बल्कि विकास के नाम पर जनता उन्हें वोट देगी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ हम पुष्पांडे, APN News, दिल्ली।